नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दलों का किनारा, जयंत 9 दिन के लिए बाहर गए। सपा बोली, अखिलेश के पास टाइम नहीं। जेल में तैनात सिपाही को 5 वार्डरों ने पीटा, निलंबित, ड्यूटी से लौटने के दौरान किया हमला, खाने में मिलावट का बना रहे थे दबाव। गाजियाबाद में छात्र गुटों में चले लाठी डंडे और बेल्ट बाइक की साइड लगने पर हुआ था विवाद, सड़क पर मचा अफरी तफरी। मनोज तिवारी बोले, हमें राहुल गांधी जैसी बेवकूफियां नहीं करनी, बीजेपी सांसद के बयान पर सपा का पलटवार। दो बाइकों की भिड़ंत में 2 की मौत, झांसी में जीजा को छोड़ने बस अड्डे जा रहा था, परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी। पीलीभीत में फंदे से लटकता मिला युवक, दरवाजा खुला होने पर अंदर गए पड़ोसी, बॉडी लटकी देख बुला ली पुलिस। मथुरा में 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, भेष बदल कर रहा था, 17 साल से पुलिस कर रही थी उसकी तलाश। चेकिंग करने गई टीम की पिटाई, बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा, गुस्साए ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जेई ने, भागकर बचाई अपनी जान। रेप के बाद जन्मे बच्चे को छोड़कर चली गई मां, 13 दिन में एक बार फिर भी नहीं दिखा, नर्स बोली किसी और के गंदे काम की सजा यह बच्चा झेल रहा है। उन्नाव में 7 होटलों को नोटिस, आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न होने पर कार्यवाही, फायर अफसरों ने की थी जांच। मुरादाबाद में बीच सड़क थार क्रेटा पर स्टंट, बच्चा बच्चा बदमाश हो गया, गाने पर बोनट और छत पर बैठकर बनाई रील। संत कबीर नगर में हथियार चलाने में पुलिस फेल, बंदूक की नली से एसआई ने डाली गोली, फिर करने लगा फायर। यूपी में 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर, प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश हटाए गए, एस सतीश गणेश को एडीजी। निकाय चुनाव से पहले सड़क बनाने में भ्रष्टाचार, सुल्तानपुर में ठेकेदारी पीली ईंट का कर रहे यूज, मानक के विपरीत बना रहे नालिया। फिरोजाबाद में डीएम ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण, का सुविधाओं में नहीं होनी चाहिए कोई कमी, आधार की ना लगाए अनिवार्यता। जन्मदिन के दिन सड़क हादसे में युवक की मौत, प्रतापगढ़ में नाना को दवा देकर घर लौट रहा था छात्र, वाहन ने मारी टक्कर। सुल्तानपुर में मनरेगा श्रमिकों के आगे आर्थिक संकट, 24,000 से अधिक मजदूरों को 2 महीने से नहीं मिली मजदूरी, 2.25 करोड़ बकाया। बरेली में 9 वर्ष से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया चेकिंग अभियान, पुलिस अफसर भी सड़क पर उतरे। शाहजहांपुर में महिला ने दुष्कर्म का लगाया आरोप, कहा सफाईकर्मी ने तमंचे के बल पर किया दुस्साहस, जान से मारने की धमकी दी। $1.37 करोड़ रुपए बोरी में लेकर भागा कर्मचारी, आगरा में बैंक में जमा कराने पहुंचा था कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड के जाते बॉक्स तोड़ डाला। बा
बागपत में खेत में जा रहे युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की, शोर मचाने पर भागा युवक। फिरोजाबाद बस स्टैंड पर सीएनजी सिलेंडर हुआ लीक, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने खुले में रखवाया, गैस निकलने के बाद कब्जे में लिया। बागपत में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों और लोगों की तलाशी, शराब की दुकानों में की भी जांच की। जिंदा जलकर एक परिवार के पांच लोगों की मौत, गहरी नींद में सभी को भागने का मौका नहीं मिला, मां और बच्चे जले। हमीरपुर में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो की पैर में लगी गोली, ज्वेलरी की दुकान में की थी चोरी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों ने लहराया तमंचा, विश्वविद्यालय में कश्मीरी और गाजीपुर के बीच हुई झड़प, वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या, साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया, होटल में अपने साथी के साथ ठहरा था युवक। बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो की मौत, एक घायल, घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पहुंचाया गया। बुलंदशहर में बाघ में गर्दन कटी, शव मिलने से सनसनी, मृतक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त, एसपी सिटी सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, आईआईटी के छात्र की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, कोलकाता से लौटा था छात्र। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, जिसमें प्रदेश व मंडल के पदाधिकारी रहे मौजूद। अमरोहा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले भारत जोड़ो यात्रा में देश को तोड़ने वाले लोग शामिल हैं। अलीगढ़ में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले लगे गरीबों के बिस्तर, खोल रहे नगर निगम के पोल। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन किसान के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के एसडीओ के साथ की धक्का मुक्की। गोंडा में कंधे के सहारे जिला महिला अस्पताल, मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए कर्मचारियों ने स्ट्रेचर तक नहीं कराया उपलब्ध। हरदोई में मृत अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाए हत्या का आरोप, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई। कानपुर को चौबेपुर कस्बा में जीटी रोड स्थित कई दुकानों में आग लगने से हुई तबाह, दमकल की गाड़ी आने पर आग पर पाया गया काबू। लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के दौरान हिस्ट्री शीटर की मौत, परिवार ने पुलिस कांस्टेबल पर हिस्ट्री शीटर की पिटाई का आरोप। रायबरेली में मामूली बात में पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान में हुआ खूनी संघर्ष, अस्पताल भर्ती, मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने वंचित आरोपी को किया गिरफ्तार, सालों से था फरार। कोरोना को लेकर रायबरेली के निदेशक अरविंद राजवंशी का बयान, बोले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पहनना और भीड़भाड़ से बचना जरूरी है।
लखनऊ में 3 दिवसीय लोक विमर्श का हुआ शुभारंभ। आयोजन का शुभारंभ हर हर शंभव हनुमान चालीसा के स्वसज गायन से हुआ। रायबरेली में पंखे के कुंडे से लटक कर युवक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल पुलिस ने 3 माह पूर्व हुई चुनौती का किया खुलासा। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में रिक्शा चलाकर महिला पहुंची जिला अस्पताल। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्र ने की मदद। ठंड से बचाने के लिए मजिस्ट्रेट ने कंबल भेंट किया। सुल्तानपुर में प्रयागराज अयोध्या एनएच पर डिवाइडर से टकराकर पलटी टूरिस्ट बस। हादसे में 28 श्रद्धालु घायल, 14 को आई गंभीर चोटें। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर महिला से गैंगरेप। सुल्तानपुर में आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर महिला के साथ गैंगरेप की हुई घटना। अमेठी में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो हो रहा है वायरल। पीआरडी जवान का ई रिक्शा चालक को लात से मारते वीडियो हुआ वायरल। औरैया में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। चोरों ने सूने घर में चोरी ने दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नौसेना के वाइस एडमिरल जनरल राजेंद्र बहादुर सिंह ने की मुलाकात। नौसेना शौर्य वाटिका को जल्द पूरा कराने की अपील की। औरैया में कानून राज की खुली पोल। आईजी रेंज के जाते दबंगों की दबंगई और गुंडई का वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। हमीरपुर में सराफा व्यापारी की दुकान में हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 अभी भी फरार हैं। हरदोई में एसपी राजेश द्विवेदी ने 184 सिपाहियों का किया तबादला। कोतवाली में 3 और 2 साल से जमे सिपाहियों के बदले गए थाने। लखनऊ में हर शुक्रवार को ग्राम पंचायतों में लगेगी जनता चौपाल। चौपाल से हर विकास खंड की 3-3 पंचायतों में लगाई जाएगी। मेरठ में वर्ष 2022 में 100 से अधिक अपराधियों पर चले बाबा का हंटर। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। 162 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई। लखनऊ में कबाड़ हो चुके वाहनों के लिए खुलेंगे स्क्रैप सेंटर। सेंटर के लिए आरटीओ कार्यालय की ओर से शुरू की गई तैयारियां। मेरठ में दामाद को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। दामाद और पिता को बंधक बनाकर ससुरालियों पर पीटने का आरोप। लखनऊ के मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने रिवर फ्रंट और चटोरी गली का किया निरीक्षण। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी भी रहे मौजूद। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मदद को आगे आई रेड क्रॉस सोसाइटी। पीड़ित परिवारों को डीएम ने तारोपोलिन और हाइजीन किट दी। विदेश के बाद अब घरेलू उद्योग जगत को साधेगी टीम योगी। बिरला के साथ फिल्में हस्तियों से होगी सीएम योगी की मुलाकात। संभल में प्रसूता द्वारा पैसे न दिए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। लापरवाही से प्रसव के दौरान शिशु की मौत। श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बोले सरदार पटेल के विचारों को आत्मसात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। संभल में फिर चला बाबा का बुलडोजर। उप जिलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण को कराया कब्जा मुक्त।
श्रावस्ती में अवैध मेडिकल स्टोर संचालन पर प्रशासन सख्त, ड्रग इंस्पेक्टर ने वाईएसडीएम ने छापेमारी की, न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर को किया सीज। संभल में निकाय चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव, पथराव के दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्नाव में फ्लोर मिल के गल्ला गोदाम पर एसडीएम का छापा, गल्ला गोदामों पर छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। बिजनौर में हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत, घने कोहरे में ट्रक ने बाइक को रौंदा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढाई ढाई लाख की मदद की। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में चार छात्र लुटेरे गिरफ्तार, 20 दिसंबर को ट्रक में की थी लूट, अवैध हथियार व ट्रक भी बरामद। रामपुर के किसान नेता ने सीएम से की मुलाकात, सांसद और तीन भाजपा विधायकों का हवाला देकर जनता की अपेक्षा पर मांगा विशेष पैकेज। ओबीसी आरक्षण पर बोले संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान, बीजेपी को डर, निकाय चुनाव में हारी तो 2024 में उसका क्या होगा। संत कबीर नगर में कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 102 मानकों पर हुई मॉकड्रिल, छोटी मोटी सुधार कमियों को दिए निर्देश। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, महिला से मारपीट की गई, तीन महिलाओं सहित सात लोगों पर केस दर्ज किया गया। फिरोजाबाद में प्रशासन ने समाप्त कराया धरना, एमबीबीएस छात्र के परिजनों ने दिया था अल्टीमेटम, बोले चार दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से शुरू होगा। औरैया पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अलीगढ़ पंचायत अधिकारी के साथ ग्रामीणों ने किया मारपीट, सचिव केपी सिंह ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।